ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وعدنا موسى أربعين ليلة नाजरिन हम सुर बकर की आयात की तफसीर देख रहे हैं मैंने अभी आपके सामने सुर बकर की आयत नंबर इक्यावन और बावन पेश की है आज हम इन्हीं आयात की तफसर देखेंगे पूरा सयाक ये है कि अल्लाह रबालमिन बनराइल को उन पर की गई न को याद दिला रहा है अल्लाह के नबी सल के दौर में जो यहूद थे जो इसराइली थे अल्लाह ताला नबी के ज़रिए उनको मुखातब कर रहा है उनको याद दिला रहा है कि उन पर अल्लाह ताला की कितनी नेमतें थीं वो इन नेमतों का लिहाज करें और अल्लाह ताला के पैगाम को कबूल करें तो इससे पहले की आयत में अल्लाह ताला ने जिस नेमत का जिक्र किया था वह नमत थी फिर जैसे ालिम और जाविर बादशाह उसके कौम से मूसा सलाम के कम की निजात ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत थी जिसको अल्लाह ताला ने याद दिलाया अब इसके आगे अल्लाह ताला अपनी एक और नेमत का तस्करा कर रहा है कहता वा मुसा कि जब हमने मूसा से वादा किया चालीस रात का अब इसकी तफसीर में मुफसरीन ने लिखा है कि दरअसल बनु इसराइल जब फिरौन की कौम के जुल्म से आज़ाद हुई है और उसकी कौम के जुल्म से आज़ाद हो गए फिरौन डूब गया उसकी कौम डूब गई दरिया में तो मूसा के साथियों ने ये मूसा बन वसराय जिनकी तरफ मूसा सलाम को अल्लाह भेजा था तो मूसा सलाम के साथियों ने मूसा से कहा कि आप अल्लाह ताली से कोई किताब तलब करें अल्लाह तला से कहें कि अल्लाह ताली कोई किताब नाजिल कर दे हम उस किताब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें वो किताब हमारे लिए जब्त हयात तो हो तो ये उनकी कौम की तरफ से मुतालबा था और फिर मूसा से अल्लाह ताला ने चालीस रात का वादा किया कि यहां पर आए हम आपको किताब देते हैं तो उसी का जिक्र हो रहा है वूसा अरब कि जब हमने मूसा इस्लाम से वादा किया चालीस रात का अरब इन लिए लिए यहां पर जिक्र है लेकिन सूरह आराफ आयत एक चार दो में अल्लाह फरमाता व वाह न मूस हमने मूसलाम से तीस रात का वादा किया वम नश्र फिर मजीद दस हमने बढ़ा दिया तम तो रब्बी अरब इन तो इस तरह से कुल तादाद चालीस होगी तो सूर्य बकरा में इजमाली तौर पर चालीस रात का जिक्र है लेकिन उस इजमाल की तफसील यह है कि शुरू में अल्लाह ताला ने तीस रातों की बात की थी बाद में दस और बढ़ा दिया तो ये कुल चालीस गई तो अल्लाह फरमाता है कि हमने मुसल इस्लाम से चालीस रात का वादा किया तो इन रातों में जब मूसा मुसालाम अल्लाह ताला के पास गए यानी अल्लाह ताला ने एक जगह इनको बुलाया कि यहां पर आए और यहां पर आपको, आपको आसमान से एक किताब दी जाएगी यानी अल्लाह की तरफ से जो किताब नाजिल होगी यहाँ पर आपको दी जाएगी तो म उसके लिए वहां पे गए अब मूसा इस्लाम के वहां जाने के बाद मूसा इस्लाम की जो कौम थी ये जो बन इसराइल थे इन लोगों ने एक बहुत ही बड़ा पाप किया बहुत बड़ा गुनाह किया अल्लाह फरमाता है मूसा इस्लाम के जाने के बाद तुम लोगों ने बछड़े को एक जानवर को अपना माबूद बना लिया उसकी पूजा करने लगे वह अन तुम ऊन और तुम उस वक्त बहुत थे ये बछड़े की कहानी क्या है आगे इसका जिक्र होगा तो अल्लाह ताला यहाँ इजमाली तौर पर जिक्र कर रहा है कि मूसा इस्लाम से 40 रात का वादा हुआ था मूसअलम को अल्लाह ताला ने तलब किया इस दौरान बनो इसराइल ने यानी मुसा इस्लाम की कौम ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी तुम माफ न फिर हमने इसके बाद भी तुम्हें माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र बजा लाओ तो ये अल्लाह ने इजमाली तौर पर शुरू में इसको जिक्र किया उसके बाद अल्लाह ताला इसी को तफसील से बयान कर रहा है आगे मूसा को यानी जो चालीस रात के लिए आए तो अल्लाह तला ने उनको किताब दिया अल्लाह सलाम को किताब दिया आसमानी किताब वल फुरान फुरान ये किताब ही का दूसरा नाम है यानी वो किताब फुरकान भी है जिसे कुरान को फुरकान कहा जाता है ऐसे मूसा इस्लाम पर जो किताब नाजिल हुई थी उसका नाम भी फुरकान। और फुरकान का मतलब होता है हक और बातिल में तमीज़ करने वाली चीज़ तो अल्लाह का जो ये कलाम है ये बताता है हक क्या है बातिल क्या है क्योंकि हक और बातिल की तमीज़ हम खुद अपनी अकल से हर जगह नहीं कर सकते मैंने शुरू में आपके सामने बताया था कि यह अकल भी एक हद तक काम करती है हर मामले में अकल कामयाब फैसला नहीं कर पाती है तो जहाँ अकल आजिज रह जाती है हक और बातिल का फैसला करने में वहां पे अल्लाह ताला की वही फैसला करती है हक क्या है बातिल क्या है इसीलिए अल्लाह ताला की तरफ से जो आसमानी किताबें होती हैं उनमें से कई किताबों के नाम फुर्कान मिलते हैं जैसे कुरान का नाम फुर्कान है और ये मूसअ इस्लाम पर जो किताब नाजिल हुई उसका नाम फुर्क़ान है ताकि तुम हिदायत पा सको तो अल्लाह ताली फ़ुरकान नाजिल करता है फुर्क़ान यानि वो वही जो हक और बातिल को अलग कर दे ताकि तुम्हें हिदायत मिल सके इंसान के पास जो अकल है वह इंसान को हर मामले में हिदायत नहीं दे सकती है सही रास्ते पर नहीं ला सकती है तो ऐसे मोड़ पर अल्लाह तला की तरफ से जो वही होती है अल्लाह तला की तरफ से जो किताब होती है जैसे हमारे पास कुरान मजीद है तो इसके ज़रिए हमको रोशनी मिलती है और हिदायत का रास्ता तो मिलता है तो अल्लाह फरमाता है, वही फुरखाना जब हमने को किताब दी, ताकि तुम सीधी अल्लाह ताला के पास गए थे अल्लाह तरफ से किताब वसूल करने वो किताब लेने के बाद वापस आए तो अपनी कौम वालों को क्या देख रहे हैं अल्लाह तला नकल कर रहा है वह नौ लोगों ने अपने आप पर बहुत बड़ा इजला इस बछड़े की पूजा करके तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है इस बछड़े की क्या कहानी है वो भी देख लें अल्लाह रबीन ने इसके बारे में कुरान में कई जगह बयान किया है हम उन तमाम आयत को इकट्ठा करके थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखते हैं कि ये बछड़ी की पूजा वाली बात क्या है यानी बनु इसराइल जो बछड़ी की इबादत करने लगे थे इसका पसे मंज़र क्या है तो देखे बनु इसराइल जो मिस्र में रहते थे और फिर और उसकी कौम ने जिन पर बहुत सारे मजालिम ढाए थे और बाद में मूसा इस्लाम उनको बचा दरिया के पार चले गए अल्लाह ताली की मदद से तो ये जो कौम थी ना बनु इसराइल तो ये बछड़े की पूजा की आदि हो चुकी थी यानी ये कौम बछड़े की परस्तिश करती थी ये बनु इसराइल वही है जिन्हें यूसुफा अलैहिस्सलाम ने मिस्र में बसाया था लेकिन अलैहिस्सलाम के जाने के बाद कई सदियों के बाद ये लोग वापस गुमराही में मुबला हो गए बदतरीन किस्म की गुमराहि में मुतला हो गए ये बछड़ी की पूजा करने लगे तो ये इनका दीन बन गया शिर अल्लाह को छोड़कर एक बशरी की पूजा कर रहे थे तो इसके ये आदि हो चुके थे तो जब मूसा इस्लाम ने इनके बीच में दावत तबलीग की तो इन लोगों ने बछड़े की पूजा छोड़ दिया नहीं मूसा इस्लाम पर ईमान ले आए अल्लाह ताला पर ईमान ले आए मोमिन हो गए मूसा इस्लाम के साथी हो गए बछड़े की पूजा इन लोगों ने छोड़ दिया लेकिन इन लोगों के बीच में यानी मूसार्सलाम के साथियों में एक शख्स था जिसका नाम कुरान में सामरी है सूरे ताहा आयत नंबर नौ दो से नौ छः तक देखें तो इसमें अल्लाह ताला ने ये बातें जिक्र की हैं उसमें उसका नाम भी है सामरी आयत नंबर पंचानवे ताहा आयत नंबर नाइन फाइव में उसका नाम जिक्र है तो सामरी शख्स ऐसा था जिसके बारे में अहले तफसीर ने लिखा है कि ये मुनाफिक था ये बनो इसराइल में घुसा हुआ एक मुनाफिक था यानी खुद को ये जाहिर करता था कि मैं मूसाला इस्लाम पर ईमान लाने वाला हूँ लेकिन हकीकत में ये मूसाला इस्लाम को मानने वाला नहीं था तो जब मूसा इस्लाम अल्लाह ताला की वह लेने गए थे किताब लेने गए थे तो इस बीच में ये लोग जो रह गए थे उन्हीं में रहता था सामरी तो अब सामरी ने क्या किया वो देखिए आप सामरी ने कुछ जेवरात को पिघला के एक बछड़ा बनाया अब ये ज़ेवरात पिघला के बछड़ा बनाया उसकी क्या कहानी है तो उसका भी एक पस मंज़र है जो मुफसरीन ने लिखा है वो ये कि ये जो बनु इसराइल वाले थे जब फिर उसकी कौम से बच कर ये दरिया के उस पार जा रहे थे तो फिर उसकी कौम और उस इलाके से जब ये लोग निकले तो इन लोगों ने अपने साथ बहुत ज़्यादा जेवरात भी रखे थे माल दौलत भी रखे थे बल्कि बाज़ मुफसरीन ने तो यहां तक कह रखा है कि इन लोगों ने वहां की लोगों से जो उधार में जेवरात लिए थे वो भी लेके फरार हो रहे थे तो बहुत सारे जेवरात इनके पास थे जिनको माले गनीमत कह सकते हैं। वो सब लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दरिया पार हुए तो इनके पास जो भी जेवरात थे इसको माल गनीमत माना गया और फिर माल गनीमत से मुतिक उस वक्त का कानून ये था कि माले गनीमत को इकट्ठा करके आग लगा दिया जाए यानी माले गनीमत हलाल नहीं था उस दौर में ऐसा नहीं है कि एक कौम की लड़ाई दूसरे कौम से हुई तो दूसरे कौम के साझे सामान को ये लोग ले लें ये जायज नहीं था बल्कि करना ये होता था कि लड़ाई खत्म हुई कि तो जो भी सामान है उसको इकट्ठा करके आग लगा दो किसी को मत दो तो ये तरीका होता था तो मूसा इस्लाम के साथ ही जब दरिया पार करके दूसरी तरफ चले गए तो इनके साथ में जो जेवरात वगैरह थे बाद में लिखा है कि ये जवरात जो इनके इलाके में रहने वाले लोगों के थे दूसरे लोगों के थे तो इन लोगों ने उसे माली गनीमत डिक्लेयर करके उसे सब एक जगह इकट्ठा कर दिया ताकि उसको जला दिया जाए तो जब एक जगह इकट्ठा करके जला रहे थे तो वहां पर सामरी नाम का शख्स पहुंच गया और अल्लाह तला ने इन जेवरात का भी जिक्र किया ताहा आयत नंबर एट सेवन में देखे फरमाता है। वाला किन्

मूसा इस्लाम की कौम ने मूसा इस्लाम के जाने के बाद उन जेवराज से एक बछड़ा बनाया और बछड़ा कमाल का था कि ऐसा बछड़ा बनाया जिससे आवाजें निकलती थी और फिर इसी की इन लोगों ने पूजा करना शुरू किया था और इस बछड़े में एक खास बात यह थी की जो सामरी शख्स था इसने जबरील इस्लाम के घोड़े की टाप से उड़ने वाली जो धूल थी उसको लेके यहां पे डाल दिया था जिससे कुछ इसके अंदर तब्दीली आई थी और एक तरह की आवाज निकलती थी चुनाची अल्लाह आलमी ने इसको बयान फरमाया है उसको देखें कि मूसा सलाम ने सामरी से पूछा फामा खतबुका या सामरी यानी जब देखा कि ये सब क्या हो गया है तो जो है ये लोग बछड़े की पूजा कर रहे हैं तो मूसा सलाम ने पूछताछ किया तो पता चला कि ये सब तो सामरी का क्या धरा है तो कहा मा खतबुका या सामरी सामरी ये सब तुमने क्या किया कहा कि बसुर तो बीमा भी कहा कि मैंने वो देखा है जिसे और लोग देख नहीं पाए फिन कबस असर रसूल मैंने पैगंबर यानी सलाम के घोड़े के पैर के पास से मिट्टी इकट्ठा की हा और इसे इलाके बशरे के ऊपर जो है डाल दिया वाली कस गलतली नफसी तो मेरे दिल ने यही कहा कि मैं ऐसा करूं तो इसने वो मिट्टी लाके इस पे डाल दी थी तो उससे और तरह की आवाज पैदा हो गई थी तो ये आवाज सुन के लोग मरूब हो गए और ऊपर से सामरी, सामरी ने क्या कहा सामरी ने कहा कि यही तुम्हारा महबूद है अल्लाह तला ने आयत अठासी में नकल किया इजलन जसदन लहु खुआर। सामरी ने लोगों के सामने एक बछड़ा बना दिया उन जेवरात से और उस बछड़े से आवाज भी निकलने लगी फूह इलाकुम इलाहमुसा तो इन लोगों ने कहा कि भाई यही हमारा महबूद इस्लाम का भी महबूद हुआ है बछड़ा जिससे सिर्फ आवाज निकलती है और कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है सिर्फ उससे कुछ आवाज निकल रही है बस इतनी सी बात देखकर उसकी पूजा पाठ में लग गए जबकि अल्लाह फरमाता है सुर आराफ आयत वन फोर एट में कि जसद लहू खुआर इन लोगों ने एक बछड़ा बना लिया जिससे आवाज आ रही थी अलम क्या ये लोग इतना गौर नहीं करते कि ये इनसे बात नहीं कर सकता वाला हिम सबीला ना इन्हें कोई रास्ता दिखा सकता है वला सबीलन ना इन्हें कोई राह दिखा सकता है जिस पर ये चल सके वकानु जालिमीन और ये सब जालिम थे तो देखिए अल्लाह आलमीन ने जगह जगह ये वाक्य जिक्र किया है कि ये जो बछड़े की पूजा वाला मामला था यानी मूसा अलैहिस्सलाम जब वही लेने गए थे तो इस बीच में मूसाला इस्लाम के कौम वाले जो बछड़ी की पूजा में लग गए तो इसके पीछे जो मास्टर था वो सामरी था उसी ने बछड़ा बना के उसमें आवाज पैदा करके और लोगों को लगा दिया कि ये देखो मबूद है और यही हम सब का और मूसाला इस्लाम का भी मबूद है तो ये बछड़े की कहानी है और इसके बनाने वाले सामरी का मामला है जो अल्लाह ताला ने जगह जगह जिक्र किया तो यहाँ पर यही बात हो रही है अल्लाह रब यही बात याद दिला रहा है कि जब तुम लोगों ने बछड़ी की पूजा की थी तो उस वक्त क्या हुआ था तो मूसा अलैहिस्सलाम तो जो अल्लाह ताला से वही लेने गए थे किताब लेने गए थे जब वो वापस आए तो वापस आने के बाद क्या देख रहे हैं कि इन लोगों ने क्या से क्या कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी इनके पास छोड़ कर गए थे कि वो इनकी निगहदाश्त करेंगे इनके अकीदे की हिफाजत करेंगे इनको दीन की तालीम देते रहेंगे तो जब वापस आए मूसा सलाम और उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी तब्दीली लोग बछड़ी की पूजा करने लगे तो चूंकि पीछे छोड़ कर गए थे हारून अलैहिस्सलाम को तो उनको पकड़ा और कहा हारून माँ मना कर इम गु अल्लाह तब अनी अफासी कि तुम कर क्या रहे थे यहाँ पे तुमने जब ये देखा कि ये लोग बछड़ी की पूजा कर रहे थे तो तुमको रोकना चाहिए मुझे आगे बताना चाहिए कुछ करना चाहिए तुमको तो तुमने तो कुछ नहीं किया और अगली आय से पता चलता है कि उनकी दाढ़ी पकड़ लिया में गुस्से में गुस्से में उनकी दाढ़ी पकड़ के झिजोड़ दिया तुम क्या कर रहे थे क्या हो गया तो हारून इस्लाम ने कहा कि ए मेरे भाई आप मेरी दाढ़ी ना पकड़ें वला बेरासी ना मेरा सर पकड़े तो इससे पता चलता है कि मूसा इस्लाम ने हारून अल्लाम की दाढ़ी और सर दोनों पकड़ लिए थे तभी तो हारून अस््लाम ने कहा कि भाई आप मेरी दाढ़ी और मेरा सर ना पकड़े और यहीं पर एक मसला और मालूम होता है कि दाढ़ी कम से कम इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो हाथों में पकड़ी जा सके आदमी उसको पकड़ सके अगर हारून अल इस्लाम की दाढ़ी इतनी बड़ी नहीं होती तो मूसा इस्लाम पकड़ते कैसे तो जो लोग बिल्कुल छोटी छोटी दाढ़ी रखते हैं वो मुनासिब नहीं है अम्बियालाम की सीरत में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती इससे दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए बहरहाल मूसा इस्लाम ने जब हारूल जिनको छोड़ कर गए थे कौम के पास और उन्होंने देखा कि कौम ने अल्लाह की इबादत को छोड़ कर बुद्ध की पूजा शुरू की है हालांकि ये वही कौम है जिसने अपनी नज़रों के सामने फिर और उसके लश्कर को डूबते हुए देखा इतना बड़ा मुआजा देखा अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत इनको मिली, अल्लाह की तरफ से इनकी हिफाजत की गई ये सब कुछ होने के बावजूद भी सामरी ने इनको गुमराह किया और ये बछड़े की पूजा में लग गए हारून इस्लाम वहां पर थे कुछ और लोग ऐसा नहीं कि सबके सब, सब पूजा करने लगे थे कुछ लोग पूजा में लग गए थे बाकी एक तादाद अब भी ऐसी थी जो पूजा पाठ से अलग थी हारून इस्लाम उनके साथ थे लेकिन हारून अल इस्लाम ने कुछ कहा नहीं जो हो रहा था होने दिया तो मूसा अल इस्लाम उनको डांट रहे हैं कि भाई तुम कर क्या रहे थे तुम्हारी नजरों के सामने ये सब कुछ हुआ आप क्या कर रहे थे तो उन्होंने जो जवाब दिया बड़ा प्यारा जवाब दिया कहते हैं कि इनी खशी तो अंतकुलर बनी इसराइल कहा कि मुझे डर हुआ कि अगर मैं अभी से इनको मना कर दूं और यह कह दूं कि ये है तो मुझे डर हुआ कि आपके आने से पहले अगर ये फैसला कर दूं तो मुझे डर था कि आप आकर कहीं ये तो नहीं कहते कि तुमने तो बनु इसराइल को दो फिरकों में बांट दिया एक को काफिर और एक को मुस्लिम जाहिर है कि हकीकत में वो लोग दो फिरकों में बढ़ चुके थे एक तो मुस्लिम थे जो मुसल सलाम के साथ ही थे अल्लाह पर ईमान लाने वाले थे और दूसरे लोग जो सामरी के कहने पर बछड़े की पूजा पाठ में लग गए थे तो हकीकत में दो ग्रुप बन चुका था एक अल्लाह की इबादत करने वाले और एक बछड़े की इबादत करने वाले तो हारून हारूल इस्लाम ने इन पर कोई हुक्म नहीं लगाया नानी फौरन कोई तकफीर नहीं की कोई फतवा नहीं लगाया इंतजार किया कि ये फतवा कहीं इंतजार न कर दे और गिरोहबंदी हो जाएगी और फिर हमारे भाई आके इसको नापसंद करें कि तुम थोड़ा रुक भी सकते थे वक्त से पहले क्यों तुमने फतवा लगा दिया और इस तरह से दो फिरके बना दिए वाइल के तो ये जवाब दिया हारून अल इस्लाम ने कि मुझे डर था कि अगर मैं इनको टोकता तो दो गिरोह बन जाते और दो गिरोह बनने के बाद आप आकर कहीं मुझे ना टोकने लग जाते कि ये तुमने कितना बड़ा इंतजार कर दिया दो फिरके बना दिए थोड़ा सा रुक जाते मेरा इंतज़ार करते मैं आके कोई हल निकालता इसलिए मैं खामोश था हारून अलैहिस्सलाम के इस जवाब पर मौसार ने और कुछ नहीं कहा जिससे पता चलता है कि हिकमत का तकाजा कभी कभी यह भी होता है कि फौरन कोई हुक्म ना लगाया जाए घर कोई काम गलत हो रहा है लेकिन गलत काम को रोकने से अगर एक और अंदेशा हो सकता है एक और फितना हो सकता है तो उस मुनकर पर इनकार को डिले किया जा सकता है थोड़ा मर किया जा सकता है रुका जा सकता है तो ये हारून इस्लाम की हमत से ये पता चलता है कि रुका जा सकता है थोड़ा सा इंतज़ार किया जा सकता है ताकि किसी तरह का कोई फितना फसाद ना हो और जो बुराई है वो हमत के साथ और आसानी के साथ खत्म हो जाए उसे खत्म करना आसान हो बहरहाल मूसा मूसल ने जब यह सब कुछ देखा कि ये लोग तो बछड़े की पूजा करने लगे तो फिर मूसा इस्लाम ने उनको हुक्म दिया और यह हुक्म अल्लाह रबालम की तरफ से उन्हें तोबा का हुक्म दिया और इसी को अल्लाह जिक्र करता है वही ए नकुम कुम बजला मूसलम ने कहा अपनी कौम से कि ए मेरी अम के लोगों तुम लोगों ने अपने आप पर जुल्म किया है इस बछड़े की इबादत करके फ़तूब इला बारिक इसलिए अपने खालिक की बारगाह में तोबा करो बारीकलब इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने अपने बारे में क्योंकि अल्लाह ताला खालिक है उसकी यह सिफत है इसका माना अल्लाह ताला खालिक है तो चूँकि खालिक अल्लाह ताला है इसलिए इबादत अल्लाह की करनी चाहिए तो इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर बछड़े की इबादत करनी शुरू कर दी इसलिए यह ताबीर इस्तेमाल हुई है फ़तूब इला बारीक़ु मौसा इस्लाम ने कहा जो तुमको पैदा करने वाला अल्लाह उसकी बारगाह में तुम तोबा करो और तोबे का तरीका क्या था फलो अनफ सकुम के अपने आप को कत्ल करो जालिकुम इन खैर तुम्हारे खालिक तुम्हारे रब के यहां ये बेहतर है तो तोबे का तरीका ये बताया गया कि जिन लोगों ने भी ये शिरक किया है वह लोग जिन्होंने शिरक नहीं किया वो इनको कत्ल करें यानी इस कौम में जिन लोगों ने भी इस शिरक का इरतकाब किया है एक तरह से ये इरतदाद था कि उन्होंने अपना दीन छोड़ दिया और शिर और बुतप्रस्ती में लग गए तो मूसाला इस्लाम वापस आए और उन्होंने समझाया बताया कि सच्चाई क्या है फिर जरूरत थी तोबा करने की तो तोबा करने का तरीका यह था कि इन लोगों को सजाए मौत दी जाए और सजाए मौत देने के बाद ये इनके हक में तोबा साबित होगी तो ये भी अल्लाह रब्बुल आलमी की तरफ से एक नेमत ही है कि अल्लाह ताला दुनियावी सजा देकर आखिरत की सजा को माफ कर रहा है यानी उन पर एक तरह से हद जारी की जा रही है और ये हद जारी करना इनके हक में माफी होगी जैसे जेना का मसला है हमारी शरीयत में अगर कोई भी शादीशुदा शख्स जेना करे या रेप करे और अगर ये साबित हो जाए कि इसने ऐसा किया है या वो एतराफ़ कर ले इकबाल जुर्म कर ले तो इस्लाम में उसकी सज़ा है सजाए मौत तो सजाए मौत तो होगी उसको लेकिन अल्लाह की तरफ से ये वादा है अल्लाह का कानून ये है कि यह सजा इसी दुनिया की हद तक है मरने के बाद वो पूरी तरह से इस गुनाह से धुल उठेगा और आखिरत में उसके लिए कोई और सजा नहीं होगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है कि एक औरत को रजम किया गया जिसने जुर्म किया था जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके ये एतराफ़ किया था कि मुझसे जना का जुर्म हुआ है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफ्तीश और तहकीक के बाद हुक्म दिया इसको रजम कर दिया जाए तो रजम करने के बाद जब उसके खून के छीटे बादसबा पर पड़े तो उन्होंने कुछ नामुनासिब कलिमात कहे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कहा मत बोलो कि इसने ऐसी तोबा की है कि अगर ये तोबा सारे गुनगारों में बांट दी जाए तो काफ़ी हो जाएगी तो पता ये चला कि जब किसी पर हद जारी कर दी जाती है जेना की तो ये हद जारी करना उसके हक़ में मगफरत का जरिया होता है दुनिया में इससे सजा मिलती अब उसके लिए माफ़ी होगी अल्लाह तला ने उसको माफ़ कर दिया तो ऐसे इन लोगों को भी जिन्होंने जुर्म किया था शिर्क किया था अल्लाह तबारक ने माफ़ किया और माफ़ी का तरीका यह बताया कि इन पर हद जारी की जाए हद जारी करने के बाद अल्लाह तला, तला इनको माफ़ कर देगा और यह बहुत बड़ा इनाम है कि मरने के बाद अल्लाह तला माफ़ कर दे जन्नत दे दे तो भले कोई सजा मिल जाए दुनिया में लेकिन उसके बाद अगर फौरन जन्नत सामने खड़ी है तो यह सजा कुछ भी नहीं है अल्लाह तला की तरफ से एक इनामी है इनाम इी है तीसरी तो अल्लाह तो कहता है कि मूसा मूसम ने कहा फ़क्तलफम खैरकम दुम अपने आप को कत्ल करो फतेहबाक रहीम तो अल्लाह तो अल्ला ने तोबा कबूल कर ली और वह तोबा कबूल करने वाला है और रहीम रहम करने वाला है अल्लाह की रहमत यह है कि इस कत्ल को अल्लाह ने तफार सयाद बना दिया तुम्हारे इस गुनाह का कफ़ारा बना दिया यानी अब मरने के बाद इस सजा के बाद तुम्हारे लिए कोई और सज़ा नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नेमत भी याद दिलाई कि इतना बड़ा मौजा होने के बाद और ये सजा क्यों दी गई ये बड़ी सजा कत्ल की सजा इसलिए क्योंकि इससे पहले इतने बड़े जुल्म से उनको बचाया गया फिर ऑन और उसकी कौम जो टुकड़े टुकड़े करके इनको मार रहे थे इनकी औरतों को बांदी बना रहे थे उनसे अल्लाह ताला ने इनको बचाया इनकी हिफाजत की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके मतालबे पर आसमान से किताब नाजिल की जो इनके लिए जबत हयात हो इतना सब कुछ करने के बावजूद इन लोगों ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी तो इस जुर्म की ये सजा थी लेकिन इस सजा के बाद भी अल्लाह ताला ने माफ कर दिया क्योंकि अल्लाह ताला तो कबूल करने वाला और माफ करने वाला है तो इन आयत में अल्लाह ताला ने बनू इसराइल का ये वाक्य जिक्र किया कि किस तरह से उनमें से कुछ लोग बछड़े की इबादत के पीछे पड़ गए थे बिलाखिर इतना बड़ा पाप करने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया उनको सजा भी दी गई लेकिन सजा देने के बाद अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया वरना यह भी हो सकता था कि सजा भी मिले दुनिया में भी सजा मिले और आखिरत में भी सजा मिले लेकिन अल्लाह ताला ने माफ कर दिया दुनियावी सजा पर बस कर दिया अल्लाह ताला ने यह अल्लाह की तरफ से इनके हक में एक रहमत है तो अल्लाह ताला इन आयात में एक एक करके गिना रहा है कि बनू इसराइल पर क्या क्या एहसानात है अल्लाह ताला के क्या क्या इनाम हैं? इन आयात में एक और एहसान और एक और इनाम का मफरत का माफी का जिक्र था जिसे अल्लाह ताला ने यहाँ बयान किया था इससे अगली आयत में अल्लाह कुछ और नेमतें याद दिलाएगा बन इसराइल को जिसको इंशाल्लाह हम अगले महीने देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इस सीरीज को बनाने में खालिद अल उमेरी और उनकी फैमिली ने पूरा ताउन किया है ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें